Hello friends, how are you? Hopefully all of you doing good. So welcome back again in my YouTube channel Food Tech Fact Check. और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है फूड इंपोर्ट क्लीयरेंस सिस्टम। आज हम फूड इंपोर्ट क्लीयरेंस सिस्टम के वेरियस प्रोसेस और स्टेप्स को एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और आपको डिटेल में अगर फूड इंपोर्ट क्लीयरेंस सिस्टम के बारे में जानना है तो आप मेरे दिए गए वीडियो को जो कि फिक्स पोर्टल के ऊपर एक बहुत ही डिटेल वीडियो है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फूड इंपोर्ट क्लीयरेंस सिस्टम में कौन कौन से वेरियस स्टेप्स होते हैं और उनको हम कैसे एक लॉजिकल प्रोसेस फ्लो डायग्राम से इजीली याद कर सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक में के बारे में बात कर रहे हैं वो है फूड इंपोर्ट क्लीयरेंस सिस्टम। इसको हम फिक्स भी बोलते हैं या FSI का फिक्स पोर्टल भी बोलते हैं हम उसको। तो इसमें फूड इंपोर्ट क्लीयरेंस सिस्टम में सबसे पहले प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी स्टार्ट होती है सबसे पहले बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करना होगा कहाँ पर? कस्टम डिपार्टमेंट के आइस गेट पोर्टल पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको अपने इंपोर्टेड आइटम की क्लीयरेंस के लिए एप्लीकेशन कस्टम डिपार्टमेंट के आइस गेट पोर्टल पे फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके जो एप्लीकेशन है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो FSI के फिक्स पोर्टल पे क्या करेंगे, वो फॉरवर्ड हो जाएंगे। जो आइस गेट होगा वो आपके एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को फिक्स पोर्टल पे फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद क्या होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो एप्लीकेशन है उनकी क्या होगी, स्क्रूटनाइजेशन होगी। स्क्रूटनाइजेशन मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन की क्या होगी, वेरिफिकेशन होगी। जो FSI के जो थ्राई ऑफिसर्स होंगे वो फिक्स पोर्टल पे लॉगिन करके आपके एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद कंडीशन जनरेट होती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स की और एप्लीकेशन की जो वेरिफिकेशन है, इज इट सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर नो सेटिस्फैक्ट्री है तो उस केस में क्या होगा, NCR रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, नॉन कन्फर्मिंग रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, इशू हो जाएगी आपको। और उसके बाद हो सकता है कि वो क्लेरिफिकेशन के लिए मांग सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन में कुछ एरर हैं, कुछ इशू हैं, तो वो क्लेरिफिकेशन के लिए बोल सकते हैं आपको। तो दूसरा प्रोसेस क्या है, क्लेरिफिकेशन के लिए। क्लेरिफिकेशन किस टाइप में, आप क्लेरिफिकेशन करके फिर से एप्लीकेशन को भेज देंगे और वो फिर से उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी और सब कुछ ठीक होगा तो वो आगे प्रोसीड हो जाएगी। अब इसमें केस में है क्या, अगर वो डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री है, अगर यस है, ये अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो सेटिस्फैक्ट्री के केस में क्या होगा, जो ऑथराइज ऑफिसर्स होगा वो आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए क्या करेगा, पेमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, पेमेंट एक्सेप्ट फॉर सैंपल टेस्ट। तो आपके प्रोडक्ट के सैंपल टेस्ट के लिए वो क्या करेगा, ऑथराइज ऑफिसर्स होंगे, अगर सब कुछ ठीक है, आपकी एप्लीकेशन ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट जो सबमिट है वो सब कुछ ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो ऑथराइज ऑफिसर्स होगा वो आपके सैंपल की टेस्टिंग के अगेंस्ट में पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो ऑथराइज ऑफिसर होगा वो फिजिकल इंस्पेक्शन करेगा, फिजिकल इंस्पेक्शन होगी ऑफ इम्पोर्टेड कंसाइनमेंट। जो इम्पोर्टेड कंसाइनमेंट आया है उसकी क्या होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। अब फिजिकल वेरिफिकेशन के केस में क्या होता है कि इसमें भी तीन केस जनरेट होते हैं। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में उसको कुछ एरर मिलता है, कोई इशू मिलता है, तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और आपको NCR रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा केस में जनरेट होता है, हो सकता है कि आपके इंपोर्टेड आइटम में फिजिकल इंस्पेक्शन के दौरान, अब फिजिकल इंस्पेक्शन में जो AO होता है और उसकी टीम होती है वो क्या चेक करते हैं, वो मेनली
ये देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहीं बैन बैन रिसोर्स से तो नहीं आया है, बैन कंट्री से तो नहीं आया है, क्या प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 60% से 60% और 60% से ज़्यादा है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को वो देखते हैं। और लेबलिंग प्रॉपर है या नहीं है एज पर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है आपकी लेबलिंग और रिक्वायरमेंट। अगर सबका सारी अगर उसमें कुछ भी एरर होता है तो वो उसमें क्या करेंगे, डिफिशेंसी के लिए, डिफिशेंसी के केस में डिफिशेंसी करेक्शन के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफिशेंसी की करेक्शन के लिए वो आपको बोलेंगे, ठीक है। दूसरा केस ये है, तो उसमें क्या है, डिफिशेंसी केस में आपको अपने डिफिशेंसीज को, जो डिफिशेंसी है लेबलिंग डिफिशेंसी है, जैसे कि आपका इंपोर्टर का नाम नहीं है, इंपोर्टर का एड्रेस नहीं है, FSI का लाइसेंस नंबर नहीं लिखा हुआ है इंपोर्टेड आइटम पे, FSI का लोगो नहीं है, और प्रोप्राइटरी फूड के केसेस में उसकी इंग्रेडिएंट के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो लेबलिंग इश्यूज हैं वो आप कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस में जाकर, कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस में सिंगल नॉन रिमूवेबल स्टिकर के थ्रू आप इनको, आप इन सारे एरर को ठीक कर सकते हैं। अब केस तीसरा केस जनरेट होता है कि आपका सब कुछ सही है, ठीक है, इंस्पेक्शन में कोई इशू नहीं मिला हुआ है, इट इज सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। अगर सेटिस्फैक्ट्री है, नो नो सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। नो के केस में नो सेटिस्फैक्ट्री है, अगर आपकी इंस्पेक्शन फिजिकल इंस्पेक्शन कोई एरर है, कोई इशू है, तो NCR हो जाएगा। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, उस केस में आपके प्रोडक्ट की सैम्पलिंग हो जाएगी, जो EO होगा वो आपके प्रोडक्ट की सैंपल कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। सैंपलिंग हो गई, सैंपलिंग के बाद क्या होगा, सैंपलिंग के बाद आपका सैंपल क्या है, लैब में भेज दिया जाएगा, लैब टेस्टिंग होगी इसकी, ठीक है। अब लैब टेस्टिंग होगी, अब डिपेंड ऑन लैब रिपोर्ट, ठीक है, अब जो लैब रिपोर्ट है उस पर डिपेंड है, जो लैब रिपोर्ट रिजल्ट है उस पर डिपेंड है। लैब रिपोर्ट क्या है, ओके है, तो आपको क्या हो जाएगा, नॉन कंफर्मिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को रिपोर्ट से क्लियरेंस करा लोगे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के थ्रू। अब लैब रिपोर्ट अगर आपका ओके है तो आपको NOC मिल जाएगी, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको अपना प्रोडक्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट इजीली कस्टम वेयर हाउस से इजीली क्लियरेंस मिल जाएगा। दूसरा है, अगर नॉट ओके है, नॉट ओके केस में क्या होगा, नॉन कन्फर्मिंग रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, मतलब आपको नॉन कन्फर्मिंग रिपोर्ट मिल जाएगी, NCR आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट जनरेट हो जाएगी फिक्स पोर्टल में। अब NCR के केस में क्या होगा, NCR के केस में आपके पास क्या है, दो अप्रोच हैं। पहली अप्रोच है रीटेस्ट के लिए, या री अपील करेंगे आप, री अपील फॉर रीटेस्ट, ठीक है, तो आप री अपील या रीटेस्ट के केस में जा सकते हैं। दूसरा है आपका रिव्यू का, आप रिव्यू लगा सकते हैं रिव्यू ऑफिसर के सामने, रिव्यू ऑफिसर को रिव्यू के लिए बोल सकते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से रिव्यू करें, उसके लिए भी आप रिव्यू ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लगा दे सकते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं री अपील, मतलब रीटेस्ट के लिए। रीटेस्ट के केस में क्या होगा, आपका जो काउंटर सैंपल होगा, सेंड टू रेफरेंस लैब, ठीक है, रेफरेंस लैब में भेज दिया जाएगा, आपका सैंपल काउंटर सैंपल रेफरेंस लैब में भेज दिया जाएगा। अब डिपेंड ऑन टेस्ट रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट रिजल्ट, अब जो टेस्ट रिपोर्ट रिजल्ट हैं वो उन पे डिपेंड करेगा कि वो ओके है, अगर ओके होती है तो आपको
एनओसी मिल जाएगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर नॉट ओके हुए, नॉट ओके है तो आपको एनसीआर रिपोर्ट मिल जाएगी। अब एनसीआर रिपोर्ट इस केस में आपको मिल गई, ठीक है। अब दूसरा केस आता है रिव्यू का। रिव्यू में क्या करेंगे आप, फर्स्ट रिव्यू लगाएंगे रिव्यू ऑफिसर के। रिव्यू ऑफिसर को आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने कि वो आपके एप्लीकेशन को और आपके डॉक्यूमेंट को दोबारा से देखें। तो हो सकता है रिव्यू ऑफिसर आपको इसमें क्या होगा, मे बी वो आपको एनओसी दे दे, ठीक है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे, तो आपको अपना प्रोडक्ट इजीली क्लियरेंस मिल जाएगा। मे बी वो आपको एनसीआर रिपोर्ट जनरेट कर दे सारी एप्लीकेशन आपके डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन करने के बाद। अब इसमें क्या है, फिर आपको एनसीआर मिल गया। अब इसमें क्या करें आप, लास्टली अब सेकंड रिव्यू के लिए आप जा सकते हो, दैट इज द लास्ट रिव्यू। वो आप क्या होगा, FSSAI का जो CEO होता है उसके, उनको एक एप्लीकेशन दे सकते हो लास्ट रिव्यू के लिए। अब उनका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, अपर मोस्ट होगा, लास्ट डिसीजन होगा। तो हो सकता है वो आपको भाई एनसीआर रिपोर्ट ही दे दे, नॉन कन्फर्मिंग ही रहने दे, मे भी हो सकता है कि वो आपको एनओसी दे दे, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब जहाँ जहाँ पे एनसीआर रिपोर्ट जनरेट हुई है तो उस केस में क्या करेगा इम्पोर्टर, उन सभी केस में क्या करेगा वो, एनसीआर केस में दो कंडीशन होगी, या तो वो डिस्पोज ऑफ करे अपने प्रोडक्ट को क्योंकि वो नॉन कन्फर्मिंग है, या तो वो अपने प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करे, या दूसरा रिटर्न बैक कर दे, जिस भी कंट्री से वो उसको लेके आया है उसी कंट्री में रिटर्न बैक कर दे, ठीक है। एनसीआर के केस में क्या होगा, ये एनसीआर है, ये भी एनसीआर है, और ये भी एनसीआर, इन सारे एनसीआर के केस में क्या होगा, या तो वो दो कंडीशन बनती है, या तो वो अपने प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करे या रिटर्न बैक कर दे, जिसमें जहां से भी वो अपने प्रोडक्ट को उसने इंपोर्ट किया है। तो ये सारा का सारा था फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको ये डायग्राम इजीली समझ आ गया होगा और आपको लॉजिकली इसको समझना मुश्किल नहीं होगा।